वेलकम टू द शो हैप्पीनेस किचन। मैं हूं सुमित राजवार और आप सबका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। जैसे कि आपने देखा मेरे पहले एपिसोड में हमने बनाया था गुत्थी वन खैकुरा, होप सो आपको पसंद आया होगा। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए डिश, इसका नाम है जमैकन ब्राउन स्ट्यू चिकन। इसको हम बनाएंगे मैरिनेशन करके चिकन की, उसके बाद इसका सॉस बना के। चलिए आइए करते हैं इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होल ब्रेस्ट और होल लेग। हम इसकी मैरिनेशन करेंगे पहले थोड़ा सा नमक डाल के, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नींबू का रस और हमने एक पेस्ट तैयार किया है जो है हमारा जिंजर गार्लिक अनियन और एक कोरिएंडर का, आधा स्पून इसमें डालिए। इसको अपने हाथों से अच्छे से मिलाइए, जैसे कि देख रहे हैं मैं अच्छे से मिला रहा हूँ पेस्ट को, ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से चल जाएगी। चलिए हम इसे रख देते हैं 30 मिनट के लिए साइड में। चलिए गाइस 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन हो गया अच्छे से मैरिनेट। चलो हम इसको करते हैं अब शैलो फ्राई। गैस को धीमी आंच ऑन कीजिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल को देंगे थोड़ी देर गर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा तेल हो चुका है गर्म अच्छे से, हम अपने चिकन को इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। पहले डालेंगे हम ब्रेस्ट पीस, देख रहे क्या साउंड आ रही है अच्छी। अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए शैलो फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से बन चुका है हमारा चिकन, शैलो फ्राई हो चुका है। हम चिकन को निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि चिकन टूटे ना, और देख रहे हैं क्या खूबसूरत कलर आया है हमारे चिकन में, इसके आप देख रहे होंगे। जो हमारा तेल है हम इसे थोड़ा सा निकाल देंगे क्योंकि हमें इसी में ही सॉस बनाना है। चलिए अब हम बनाते हैं इसका सॉस। गैस को ऑन कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा तेल तो पहले से ही गर्म है, इसमें हम डालेंगे गार्लिक, गार्लिक डाला, ग्रीन चिली डाली और थोड़ा सा अदरक, इसमें थोड़ा सा फ्राई होने देंगे अच्छे से। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे गोल्डन कलर के होने लग गए हैं, तेल हमारा पहले से ही गर्म था इसलिए ये जल्दी हो गए हमारे गोल्डन कलर के। इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा प्याज, देखिए ये हमारा सफ़ेद प्याज है, इसमें डाल देंगे। हमें तो बारीक नहीं काटेंगे, ये लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। हल्का सा फ्राई होने दीजिए इसे, ध्यान दीजिएगा ज़्यादा कुक ना हो हमारा प्याज। जैसे आप देख रहे हैं हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा कुक हो चुका है अच्छे से। हमारे पास यहाँ पर है कुछ पेपरिका और चिली फ्लेक्स, जिन्हें हम दोनों को मिक्स किया है हमने एक साथ, डालेंगे हम थोड़ा सा, ये बहुत तीखी मिर्च होती है। वाह क्या खुशबू आ रही है, एकदम कड़कती खुशबू आ रही है। अच्छे से मिला चुका हूँ मैं इसे। जो मैरिनेशन के लिए आपने पेस्ट यूज किया था उसका एक हाफ स्पून इसमें डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ बेल पेपर और कैप्सिकम। देखिए हमारे पास हैं येलो कलर के बेल पेपर हैं और रेड कलर के बेल पेपर हैं और हमारे पास खूबसूरत से कैप्सिकम है।
हमारा एक कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर इन सब चीज़ों का, जो हमारे एक ब्राउन चिकन है, हमारा जो हमने शैलो फ्राई किया है उसका ब्राउन कलर आया है, और एक कलरफुल कैप्सिकम और बेल पेपर, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। अच्छे से कुक कीजिए, थोड़ा सा और डालिए, हल्का सा शैलो फ्राई करिए इसे भी। ध्यान दीजिएगा हमें कैप्सिकम और बेल पेपर को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका हमें थोड़ा सा रॉ टेस्ट चाहिए। अच्छे से मिक्स कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्के हल्के पक चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। टमाटो केचप तो सबके पास घर में अवेलेबल होता ही है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा डालिए, थोड़ा अच्छा हमारा टेस्ट खट्टा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा हमें इसको तीखा भी नहीं करना है और मीठा भी नहीं करना है, खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए। चलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। पर जो हमारा ब्रेस्ट है उसे हम रखेंगे राइस के ऊपर ब्यूटिफुली। हमने प्लेट में कुछ कुकुम्बर और राइस रखे हुए हैं, अब इसमें लगाए हम तो एक मिंट का पत्ता, और एक हमारी ब्यूटीफुल से प्लेटिंग तैयार हो गई।